नमस्कार, मैं रोशनी दर्शन न्यूज़ से रवि पटेल। आइए आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली कैसे छठमय हो पड़ी है। अभी हम हैं सूर्य उपासना पार्क के अंदर और आप सामने देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग इस जो अपना जलाशय होता है उसके अंदर बैठे हुए हैं। और लगभग लोगों से अगर बात करें तो वो कोई सुबह सुबह 4 बजे से अभी तक बैठे हैं और लगभग सुबह 4 बजे तक, यानी सुबह अभी सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रहेंगे ये लोग। और इन्हीं लोगों से आइए, कुछ लोगों से इसी में बात कराते हैं। आइए। केलंबा से भर भैया रखबा छठ कर भैया। जी धन्यवाद। आप देखिए ये लोग लगभग 36 घंटे से इस मतलब इस उपवास में है, उसके बावजूद भी इतनी सुंदरता से और इतनी गंभीरता से अपने लोकगीत जो भी इनका छठ का होता है ये लोग परमाविक रूप से कर रहे हैं। ये छठ में पूर्वांचल के लोगों लेके तो छठ है ही, दिल्ली के भी निवासी जो पंजाबी कल्चर से भी लोग मेरे को कुछ नज़र आ रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? नीलम मल्होत्रा जी। हाँ, आपको इस त्यौहार से इस तरीके का लगाव क्यों? बहुत अच्छा है, अपना पड़ोस सजता है, वो सजने की वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है। और 3 दिन के लिए भूखे रहते हैं ये लोग, थोड़ा कष्ट करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। तो आप भी किसी मनोकामना को लेके आई हैं? नहीं, हम तो वैसे हाथ जोड़ने आए हैं। चलिए, मतलब आपको भी श्रद्धा है कि हाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए श्रद्धा, परमात्मा है तो हाथ तो जोड़ने चाहिए। दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा छठ? बहुत बढ़िया तो आ रहा है इनका, ये छठी का अच्छा लगने की वजह क्या होगी इसकी? तो मेरा बेबी हुआ था उस दिन, मेरा बाबू। देखिए इस तरीके के लोग भी हैं, मतलब कितनी श्रद्धा है, कितना मतलब पवित्र ये महापर्व है जिसमें लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारे बाबू हुए थे इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इसी समय में शायद इनका ये बाबू हुआ था और इसी में बहुत उत्साह से अब खुश होकर भी बहुत। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा। सीमा जी जो है जो पंजाब से रहने वाले हैं और इनके साथ ये बेबी भी है, देख लीजिए इनकी। हेलो करो, हेलो हेलो करो। हम लोग हैं पालन विधानसभा के अंदर और इसी तरीके से जनकपुरी की जो विधानसभा हमारी लगती हुई है उसमें इस तरीके से हजारों छोटे छोटे जो घाट्स बने हैं और वहाँ पे वो स्थापित किए हैं लोगों ने, मतलब लगभग हजार घाटों की कब से कब प्रोग्राम है। और इसमें दिल्ली सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोगों का सहयोग कर रही है। और आइए और भी बहुत सारे घाटों का हम निरीक्षण करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग इस श्रद्धापूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। चलते हैं आगे।
छठी माई।